यहाँ पता है मैं एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आता था, हम यार तभी तो पैसा आया हुआ है। इंसान कितनी देर अपनी आंखें चढ़ा के रह सकता है? उसके नीचे वापस आलू रख दिया और निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देख। इस लाइन को श्रेया ने एकदम सच कर दिया। पिछली बार श्रेया आई थी और स्पेशली आज मेरे को लेके आई है यहाँ पे नैरुपली से कचौड़ी खिलाने। सेम तो ऑर्डर ये अंकल का नाम पूछ रहे हो क्या? मैं स्टोरी पे डाला था, पूछ रहे थे मुझे टेलर से। ये है ना रामू जी की स्पेशल कचौड़ी नैरुपली से। अगर आप मेन सड़क से घुसो अंदर से तो मैं खाऊंगा। आज हम दोनों पति पत्नी सड़क का माल खाने के लिए, पीछे वहाँ से चाउमीन यहाँ से कचौड़ी। सही हो रही है इसमें वो डालो सिरका, एक ना इनकी चटनी होती है पता है हाँ। वो देख के लगेगा नहीं खाऊं पर डाल दो तो मज़ा आ जाएगा। 20 रुपये प्लेट कचौड़ी जिसे 30 की खाई और 30 रुपये की चाउमीन खा के अभी हम जा रहे हैं पालसंग मोमोज खाने। एक्चुअली हम दोनों निकले थे आज किसी काम से, वो हो गया कारपेट वाला काम, अब सड़क पे हंडारे। ये वाली कौन सी लस्सी है? ये वाली पिस्ता, ये रोज, और ये ठीक है केसर लस्सी। कौन सी अच्छी होती है मुझे रोज लस्सी दे दो। श्रेया पूरे बदतमीजी पे उतर आई है, चाउमीन कचौड़ी लस्सी और भी लामा जी पे जा रहे हैं हम मोमोज खाने। सही हो रही सोना स्वीट्स। यहाँ पता है मैं एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आता था श्रेया, हम यहाँ के खाते थे छोले भटूरे उसके पैसे पे। अच्छा है, स्वाद अच्छा है, इसलिए तो मैं ऐसा कुछ खा नहीं रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो प्रिंटिंग कराने आती थी ना, समझ गई मैं भी प्रिंटिंग कराने आई थी अपने ब्रांड के लिए। एक्चुअली दोनों सेम कॉलेज के हैं इसीलिए। नेहरू प्लेस का वो खाने के बाद अभी हम यहाँ पे मोमोज और चाय लपेट के क्या शाहपुर नहीं नहीं नेहरू प्लेस तो पता है, हम अभी नेहरू प्लेस से होके आए ना हम भाई। मोमोज की शक्ल तो नहीं है पर हमने घोस लिया करके आज दबा के स्ट्रीट फूड हुआ है। और ये तो आपको पता है हमारी फेवरेट जगह है ही पालसंग, इसके ऊपर क्लब भी हैप्पी है जो कि आज बंद है। तो श्रेया और मैं आज लामा जी का चिल करने आ गए। सही है क्या इंस्टा हैंडल डाल दूंगा भाई, यहाँ के बेस्ट मोमो होते हैं और चिकन पॉपकॉर्न भी तगड़ा। हाँ पालसंग ईटरी इज द प्लेस। अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं घर जाएंगे यार, अब कुछ नहीं खाएंगे। अब हो गया 2 दिन का खाना खत्म लामा जी। दोस्तों मैं स्पेशली फ़ोन खोला है व्लॉग बनाने के लिए और आपको एक चीज़ बताने के लिए कि आज दिवाली का नेक्स्ट डे है और भाई दिल्ली की सड़कों में पता कैसा एकदम स्वीट वाला जाम है। एक होता नहीं, एक तो खाली सड़क एकदम जो लॉकडाउन के टाइम थी वो नहीं, एक होती है जो रात को 2-3 बजे के बाद मिलती है वो नहीं, एक होता है एक छोटे शहर वाला जाम, एक हल्का सा ट्रैफिक जो आपको अच्छा भी लग रहा है और कलेश भी नहीं कर रहा दिमाग में। भाई जो रास्ते 45 मिनट अगर आपको दिखाया तब भी आपको लगे ना कि नॉर्मल, हाँ 45 मिनट तो लगता ही है, वो रास्ते आज 20-22 मिनट ऐसा टाइम दिखा रहे हैं मेरा दिल खुश हो रहा है। मतलब लगा लो मैं जा रहा हूँ अभी शाहपुर जाट से मयूर विहार, नॉर्मली एनी गिवन डे एनी टाइम इट विल शो यू 42-45 मिनट्स टाइम मिनिमम, आज तो टाइम ही दिखाया 25 और मेरे को लग रहा है पहुंचेंगे तो 22-23 में। एकदम मक्खन क्यूट सा जाम, तो मैं बता रहा हूँ अगली बार से दिवाली के नेक्स्ट डे जरूर घूमेंगे गाड़ी निकाल के, मजा आएगा आनंदमय तरीके से। आप एक बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्मॉल टाउन, ऐसा लग रहा है गांधीनगर आ गया वहाँ पे सब बिना ट्रैफिक के दिल्ली भाई, वो भी एकदम ऐसे पीक टाइम के अंदर शाम को। क्या टाइम है देखो 7:45 बजे पीक टाइम है, एकदम उतड़ हारे हो जाते हैं। ये पूरी सड़क पूरा आश्रम जाम रहता है खाली, लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आश्रम है ये। लोगों कौन है आपको? ड्राइव करने का फील आ रही है जैसे गाड़ी थोड़ी निकल रही ना स्मूथली, वरना साला पैर दर्द हो जाता है यहाँ पे। भाई आज आए साउथ एक्स डॉक्टर के पास दांत दिखाने के लिए, बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हो कौन सा तुम अलाइनर यूज करते हो, आज बताता हूँ चल के। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं जहाँ आप लोग कई टाइम से पूछ रहे थे कौन से अलाइनर तुम लगा रहे हो, कौन से अलाइनर लगा रहे हो। तो द अलाइनर्स दैट आई एम यूजिंग आर स्नैजी अलाइनर्स, इट्स अ फेयरली न्यू कंपनी, न्यू मतलब हो गया 1.5-2 साल, तो आई थिंक डॉक्टर 2 साल हो गया ना शायद, हाँ 2 साल से ऊपर हो गया। एंड देयर इज अ रीजन दैट आई हैव गॉन फॉर देम, मैं रीसेंट आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों व्हाई आई चोज दिस कंपनी ओवर ऑब्वियसली द ब्रांड्स दैट यू हैव हर्ड अबाउट। इसीलिए मैंने टाइम लिया, पहले 4-5 महीने मैंने रुका क्योंकि काफी जब मैंने लगाया तब से ही लोग बोल रहे थे कौन सा लगा रहे हो, बट आई स्टॉप फॉर 4-5 मंथ्स, आई सॉ द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड दैट इज वाई नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो जो मेरे डॉक्टर है डॉक्टर विशाल है, 365 डेंटिस्ट्री क्लिनिक है साउथ एक्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं आ जाया उनके साथ। हमारा तो मेनली आज चेकअप था पर मैंने कहा प्रोसीजर भी एक बार दिखा। हमारा डॉक्टर विशाल कैमरा शाय है, बोला कैमरा शाय है ठीक है।
तो मेरे लिए जाता तो पहले स्कैन नहीं लेते हैं इस तरीके के अगर अभी तो एक साइड का शायद लिया अभी और भी लेकर के डॉक्टर पर एक बात हूँ ऐसा होता है कि जिसके दांतों में गैप होता है उसका पैसा आता है सुना तो है तो मेरे को तभी तो पैसा आया हुआ है तो मुझे बंद कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए भाई हैरी भाई है कैमरे पे तो पूरा ऐसे जैसे राजू श्रीवास्तव का वीडियो नहीं था वो वाला कैमरा पर्सन खाना खाते हैं मुंह में लेके घुस जा वैसे मेरा डॉक्टर डेंटल हाइजीन तो मेरा सही है ना या खराब है थोड़ी जरूरत है अभी भी हाँ। मैं तो सालों से दो टाइम ब्रश करता हूँ सालों मतलब सालों से दिखाते हैं अच्छा ऐसा क्या है अरे वो खाने में हल्दी इतनी होती है क्या करें हमारे अभी चेक करेंगे ना अच्छा स्कैन किया ये थे कैमरा शायद अब नहीं बचे मेरे को पता चल गया ब्लर कर दिया होगा समझ जाना वो वाले दांत मेरे से खुद से नहीं देखे जा रहे पर हाँ तो मैं क्यों बता रहा था मैंने स्नैजी इसलिए मेनली चूज करा देखो बेसिकली मैंने इसलिए करा बिकॉज वन थिंग इज कॉस्ट सेकंड थिंग इज सर्विस डॉक्टर आप ही बताओ कॉस्टिंग में तो स्नैजी को लगता है कोई बीट मुश्किल ही कर पाएगा स्नैजी के प्राइसेस काफी कॉम्पिटिटिव है पेशेंट के लिए थोड़ा इजी रहता है इज इट लाइक क्लोजर टू ब्रेसेस फिर उसके बाद वो जिस भी आप ब्रांड से कराओ दे यूजुअली फिर वो फॉलो अप वगैरह करना पड़ता है वो सब रहता है इनके साथ इट्स एन इंडिया बेस्ड कंपनी आई थिंक बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर बैंगलोर एंड दे हैव क्लिनिक्स अक्रॉस ऑल दी मेट्रोज या कुछ और नॉन मेट्रोज में भी है बाकी आप घर पे भी चाहो तो बेसिकली घर पे भी यू कैन कम एंड टेक द स्कैन मैं आई प्रेफर कमिंग टू क्लिनिक क्योंकि एक तो साउथ ईस्ट आते हैं भाई थोड़ा एक मेरे पीछे गोलगप्पे की दुकान ही पसंद है तो ये मेरे को थोड़ा ऐसे विश्वास लगता है डॉक्टर के आगे काम हो रहा है कुछ तो ये वाला सीन है बेसिकली दैट इज व्हाई वेंट फॉर देम तो फाइनली दैट इज व्हाई मैंने 4 महीने से रिवील नहीं करा था एंड इफ यू सी माय वीडियोस फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स अगो एंड इफ यू सी माय वीडियोस नाउ जैसे अभी मेरा दांत गैप एक्चुअली कम होना शुरू हो गया अभी मेरा 4-5 हफ्ते का और बचा है 4-5 हफ्ते का भी नहीं सॉरी सो लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि आपको एक वीक हर वीक या 10 दिन के अंदर आपको ये चेंज करना पड़ता है बट विद देम दे वर वेरी ट्रूथफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि कम से कम 2 हफ्ता आपको एक ट्रिप करनी पड़ेगी एंड इट माइट एक्सटेंड अप टू 20 डेज आल्सो 20-21 डेज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि 4 महीने में आप या 6 महीने आपके दांत सही हो जाते हैं वो नहीं होता इट डज टेक टाइम एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल डॉक्टर स्नैजी इज गुड इफ समवन वांट टू ऑप्ट फॉर इट दे कैन डेफिनेटली गो और सब्सक्रिप्शन बेस्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है तो ऐसे नहीं कि आपको एक ही बारी में ऐसे 40-50 हज़ार का इनकेस अगर ट्रीटमेंट है तो ऐसा पूरा एक बारी में नहीं होता दे आल्सो हैव सब्सक्रिप्शन मॉडल कि यू ऑप्ट फॉर थोड़ा आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा होता है उसमें सब्सक्रिप्शन में नहीं 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 उतना ही आपको उतना ही अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट में पे अच्छा इंस्टॉलमेंट पे करना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता तो बेसिकली वही 5-5 जो भी मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट नंबर पर वो जैसे मैंने लमसम लिया वैसे मैंने तो फ्री लिया मैंने तो मुफ्त में लिया है दोस्तों आल्सो ऑप्ट फॉर सब्सक्रिप्शंस ठीक है अभी चलते हैं भाई तुझे विकास में जाना है पर गोलगप्पे खाने के बाद दोस्तों मैं एक चीज जो बताना भूल गया था कि स्नैजी डेंटिस्ट कैन ऑल्सो कम एट योर होम एंड टेक द स्कैन दैट इज अ वेरी गुड सर्विस दैट दे हैव एंड गो थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली ₹10,000 का ऑफ है इन्होंने जब मेरे को लिंक भेजा मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं है थोड़ा कह रहे ट्राई करके देखते कैसा जाता है तो गो थ्रू दैट लिंक ओनली डू चेक इट आउट इट्स एक्चुअली वेरी गुड भाई विकासपुरी आए ये सोच के कि आज भाई दूज मनाएंगे सुबह बेसिकली बच्चे कॉलेज हम अपने काम पे मैंने कहा शाम को आके आराम से बनाएंगे ऐसा सुस्ती का माहौल है इधर पूरे घर के अंदर एकदम रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट आपको दिख रहा होगा हल्का यहाँ पे ये देखो ये होती है ज़िंदगी यही अभी 8:05 हो गई थी मैं सोने जा रही हूँ बेगो उठा देना 1 घंटे में और सो भी गई सो रही हो तुम हैं ये भाई ये लाइफ चाहिए जब बंदे का मन करे सीधा चादर तानी और लेट गए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यौहार व्यवहार कुछ नहीं मैं भी सो जाऊँ शाबाश सब सो जाते हैं ना 9 बजे तक सोलो 5-7 साल का और है 27-28 के बाद नहीं आती बेटा नींद 30 के बाद तो एकदम ही उड़ जाती है ठीक है करो और सुस्ती फैलाओ चारों तरफ कुछ नहीं भाई अब आप कहते हो विकासपुरी ब्लॉग बनाओ ये बनेगा विकासपुरी ब्लॉग ऐसे बनेगा विकासपुरी एक दिन इंसान सो कह रही एक दिन इंसान सो गया तो चैन नहीं है क्या एक बात अरे भाई उसकी आंखों में देखो कैसा लग रहा है अरे भाई ये तो शैतानी आंखें लग रही है एकदम इसकी ये दे दे ये ले 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 आ जा गया
गया बेटा गया। अच्छा ले बस। कैसे रिश्ते आ रहे भाई हमारे एकदम? ये देखो सिर्फ बेसन के लड्डू। अच्छा एक डब्बे में कर दिया, हर डब्बे में बेसन के लड्डू ही निकले हैं, कुछ और दिया ही नहीं यार। बताओ ये भी बेसन के लड्डू भाई, कोई हमारे भी ले आए भाई, कोई रसमलाई ले आए, कोई छेना ले आए, कोई रसगुल्ला ले आए, हैं कोई कुछ ले आए, अलग सामान ले आए, कोई काजू, एक डब्बा नहीं आया भाई काजू कतली का। कैसे सही में नहीं आया ना एक भी काजू कतली? ये देख रहे हो भाई, ये है रिश्तेदारी, सिर्फ और सिर्फ बेसन का लड्डू, वो भी हल्दीराम का भी नहीं है एक। पतीसा भी नहीं आया ना? पतीसा आया? पतीसा भी नहीं आया? बूंदी का लड्डू कौन लाया? बूंदी का लड्डू भी लाया भाई, सब 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 की मम्मी लाई तो थी। अच्छा जो हमारे घर से आया था, आपके घर से भी देखो बूंदी के लड्डू आए। बूंदी के लड्डू तो फिर भी ठीक होते हैं। 1% भी नहीं देखती हूँ। क्या रील में 1% भी नहीं देखती हूँ? कैसे इंस्टा पे जो आती रहती, नहीं देखती? हाँ नहीं देखती। अरे मतलब ऐसे चला जैसे लोग ऐसे वो रील वाला ऑप्शन करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं देखती बिल्कुल। तुम क्या देखती फिर? मैं नहीं देखती रील, कुछ भी नहीं। नहीं सही, मैं नहीं देखती मैं रील। हाँ और व्लॉग देखते हो? व्लॉग व्लॉग भी ऐसे है नहीं देखती हूँ इसका। ओके मेरे जिम में तुम होती वो देखती, वो भी नहीं देखती? शाबाश। व्लॉग देखो अगर आगे पढ़ाई करनी है तो, ठीक है ना? करनी है ना आगे पढ़ाई, ढंग से देखना शुरू कर दो, जो देखेगा वही आगे पहुंचेगा। मैंने दो चार छोड़ दिए थे, आज सारे देखते। जूते लेने हैं ना? उड़ के आए ना? क्या रावण के ये नाले गाने चला के बना? भाई अभी एक रील देखी हम लोगों ने, एक जगह दशहरा बन रहा था सुभाष नगर का शायद है वो रील, उधर रावण जल रहा है, रावण जलने से पहले पंजाबी गाने लगा के लोग नाच रहे जट दी पसंद में। नहीं तो जट दी पसंद रील बता क्या कह रही है? कोई इंसान कितनी देर अपनी आंखें चढ़ा के रह सकता है? आगे चढ़ा के मतलब नाराज है गुस्से में? अरे वो भी नहीं बनाया जा रहा। कैसे रहते पापा? नोनू करके दिखाएगा मेरे से तो भी नहीं रहा। करके क्या दिखाऊंगा? करियो एक बार करियो। अरे करने क्या है? तुम बताओ नोनू, तुम बताओ कैसे रहते? पूरा मुंह बना के ऐसे नहीं सही अभी तो ने पता ही नहीं क्या होगा। आगे पीछे जाके हंसेंगे कोने में जाके, फिर वापस वही एटीट्यूड लेके। क्या कह रही? फिर वही एटीट्यूड बरकरार करके वापस। अभी ना तीन चार दिन फिर नाराज, तीन चार दिन से जीन्स ढूंढ रहे थे एक कि पहननी है पहननी है, अब मिल गई तो तीन दिन से पहनी नहीं है। उससे पहले मम्मी के पीछे पड़े हुए, पता नहीं कहाँ रख दी है जीन्स, कहाँ रख दी है, जब मिल गई तो पहननी नहीं। मेरे तो इस घर में कपड़े नहीं दिखते। एक घर में दो चीज तो कोई मिली नहीं है, कच्छे और जुराब। पापा ने एक बार सिर्फ मेरे को डांटने के चक्कर में तो एक बार टोकरी से ना मुझसे गलती से नहीं बताया, बता नहीं, दुबारा दुबारा गलती से ना बास्केट से सारे आलू गिर गए थे तो मैंने चुप करना, तो सारे आलू गिर गए थे तो पापा गुस्सा हो गए, तो मैंने ना सारे उठा दिए, ठीक है, एक अलमारी के नीचे चला गया था वो भी उठा दिया, और मेरे को अच्छे से याद है कि उसके अंदर एक उसके नीचे एक आलू गया था, वो मैंने उठा के वापस रख दिया था। मेरी थोड़ी देर के आगे पीछे हुआ, उसके नीचे वापस आलू रख दिया और निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देख। और फिर मैंने उनको पकड़ लिया ना तो हंसने लग गए। ऐसे करा एक बार सर बताओ, जबरदस्ती किसी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमेशा। मैंने एक रील देखी थी इसमें आईफोन में कवर नहीं लगाते, क्या रील नहीं देखती? अरे मुझे किसी ने भेजी थी, देखती है ना। ये टोपी भी देखी देखी लग रही है, ये आपकी अभी आप पहन के आए हो बस ऐसी पहन ली है, ठीक। 5 मिनट बाद ये अलमारी में चली जाएगी। आई थिंक वी हैव मेड इट इन लाइफ। पूछो क्यों? क्यों 4 बार पनीर ले रही है, एक बार भी गाली नहीं आई पीछे। नहीं मैं मांगूंगा, मेरे को बोलना, मैं मांगूंगा तो मुझे बताना।
वाली आएगी कि नहीं आएगी अम्बानी का ताला बोरी पीने की ये मैं दिखा दूँगा तुम लोगों ने शुरू तो नहीं कर दिया ना नहीं हाँ सर बताओ नोनू कभी कभी बियर तो हो जाती होगी फ्रेंड्स के साथ है एक बार तो ट्राई तो हो गया होगा ट्राई कर लेते पत्ते खेल लेते नहीं किया भाई तुमने मैंने नहीं करा पक्का ना गुड जॉब आई अप्रिशिएट इट Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out very soon. And we are very close to 4 lakhs now. Ab mereko actually lag raha hai we are close to 4 lakhs. Kyunki 386 kareeb ho gaya hai. To kar do bhai subscribe. Kar denge is mahine 4 lakh pakka. Lagatar.